हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी आज आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज संडे है तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये बिरयानी ऐसी है जिसे आप वेज के साथ भी बना सकते हैं, नॉन वेज के साथ भी बना सकते हैं। और देखिए, मैं नॉन वेज के साथ बना रही हूँ, पर कारण मेरे टॉम को बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, मेरे घर में अक्सर ये किट आती है कोहिनूर ऑथेंटिक बासमती बिरयानी की, तो अभी पड़ी थी मेरे पास और मैं बहुत मेहनत नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये बना लेते हैं। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि कई बार लिखी हुई चीज़ें पढ़ पढ़ के बनाने में बहुत बोर होता है। तो आप लोग जब भी बनाना चाहे मेरी वीडियो देख लें और बना लें। देखिए, इस किट में ये 3.5 पैकेट है फ्रेंड्स, एक चावल का, एक मसाले का और एक सूखा गरम मसाले का। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन, थोड़ा सा पुदीना, 4-5 हरी मिर्च काट लिए है मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 टेबलस्पून नमक लिया है। फ्रेंड्स, मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिससे मैंने लंबी लंबी काट कर रख ली है। एक टेबलस्पून घी ली है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। अब एक बर्तन में मैं पहले चावल को 3 बार अच्छे से धो लूंगी। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से 3 बार साफ पानी, बहते पानी से धो ले और इसको 1/2 घंटे के लिए रख दें। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें 4 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ और इसमें प्याज जो मैंने काट कर रखे थे उसे फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसको मैं अलग अलग कर दे रही हूँ हाथ से मसल कर, इसे अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें लिखा है तलने के लिए, ठीक है, मैं इतने तेल में भी उसको अच्छे से फ्राई कर सकती हूँ, तो मैं ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ। और ये फ्राई करने के बाद जो तेल बचेगा फ्रेंड्स, वो मैं दूसरी सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी, वो वेस्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। और मेरी चिकन की बहुत सारी और भी रेसिपीज़ हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक शेयर की हुई है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं मीडियम से थोड़े कम फ्लेम में ही फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये थोड़ी हल्की सी क्रिस्पी जैसी हो जाती है, देखिए ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, चावल को 1/2 घंटे के लिए भिगा कर रखना है, तो तब तक हमारा दूसरा काम होता रहेगा। तो मैंने अभी प्याज फ्राई कर लिए हैं, अब मैं चिकन को तैयार करूंगी। तेल निकाल लिया है मैंने कढ़ाई से, तो दूसरी सब्जी बन जाएगी उससे। अब इसमें जो मसाला दिया हुआ है वो मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चिकन के साथ मैरिनेट करके इसे 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, पर मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। मसाले को कढ़ाई में ले लिया, अब इसके साथ 1 मिनट चिकन को फ्राई कर दूंगी। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन या फिर हरी सब्जियाँ जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। ये 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर दिया है, अब इसमें मैं 1/2 लीटर पानी डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने दूंगी। फ्रेंड्स, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। पीसेस पक गए हैं,
तो अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अब हम चावल पका लेंगे फ्रेंड्स। एक बर्तन में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसमें नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून और किट में जो गरम मसाले आए थे सूखे वाले वो डाल दिए हैं। अब इसको 2-3 मिनट के लिए गैस पर उबलने के लिए रख दिए हैं। उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं जो चावल भिगा कर रखी थी पानी निकाल कर वो डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इस चावल को हमें 5 मिनट के आसपास पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, आधा कच्चा आधा पक्का सा होना चाहिए। देखिए आधी पक चुकी है चावल, तो अब मैं इससे छान कर, देखिए कितनी खिली खिली सी बनी है, छान कर एक तरफ रख दिया है। अब हम लेयर तैयार करेंगे, तो एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें मैं आधा चावल डाल दे रही हूँ, पहले फैला दे रही हूँ बर्तन में। अब इसके ऊपर प्याज का आधा, जितना भी प्याज फ्राई किया था आधा प्याज मैं फैला दे रही हूँ। अब इस पे चिकन आधा वो फैला देना है। अब इसके ऊपर जितना भी हमने पुदीना लिया था उसका आधा हिस्सा इसमें फैला देंगे, आधा धनिया पत्ती भी फैला देंगे। अब हरी मिर्च जो हमने लंबे में काट कर रखी थी वो भी आधी फैला देंगे। अब वापस से जो बची हुई आधी चावल थी वो फैला देंगे और सारी लेयर फिर से रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, चावल के बाद हम प्याज डाल देंगे, फिर से चिकन फैला देंगे, पुदीना, धनिया पत्ती और हरी मिर्च, और अब बिल्कुल आखिरी में घी या फिर बटर जो आप चाहें वो अच्छे से फैला लेंगे फ्रेंड्स इसमें ऊपर से। फ्रेंड, हम इसे दम लगाने वाले हैं, तो मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दे रही हूँ और फिर इसे ढक्कन से बंद कर दूंगी ताकि ये पूरी तरह से पैक हो जाए। इस तरह से अब इसे मैं गैस पे चढ़ा दूंगी 10 मिनट के लिए, मीडियम से कम फ्लेम में। फ्रेंड्स, धीमी आंच पे ही पकाना है इसे। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर रही हूं मैं। वाओ, मस्त लग रही है फ्रेंड्स देखकर, तो सही, बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे ट्राई करें। मेरी तो सब्जी भी तैयार हो गई है, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैंने मेरे लिए पनीर की सब्जी बना ली है, और बिरयानी है तो रायता और प्याज ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा खाना रेडी है फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छी लगती है ये, बनाना भी इजी है, कभी भी बिरयानी बनाएं और इन्जॉय करें। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए बने रहे मेरे साथ, फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।